साहब ज्योतिष कार्यालय, जैसे कि हम रोज आपके सामने उपस्थित होते हैं और आपके दरवाजे तक जैसे सूर्य की किरणें दस्तक देती हैं, ऐसी लाल किताब आपके यहाँ मौजूद होती है रूबरू होने के लिए कि आपको आगाह कराया जाए, आपको उजागर किया जाए। कम से कम जैसे सूर्य आपको उठने की प्रेरणा देता है, ऐसे ही ये प्रोग्राम जो है आपको उजागर करता है कि अपनी लाइफ में आपसे कभी कोई गलती ना हो, ये एक हमारा मैसेज है। कमल किशोर जी, आज आप हमको बताइए कि कुंडली में कौन कौन से दोष होते हैं, उनको विस्तार पूर्वक बताइए। देखिए, जहाँ बात आती है दोषों की, तो कुंडली में दोष, अब मैंने जैसे बताया कि जन्मते बच्चे के अगर उपाय कर दिए जाए तो आने वाला समय उसका सुधर जाता है, जिससे कि उनके माता पिता भी जो है अपने आप में बेफिक्र हो जाते हैं। क्यों कि हमेशा मैंने आपको बताया कि कोई भी इंसान जो जैसे कहते हैं कि वो अपने जमीन पे चलने का इतना बड़ा गुमान जताता है कि जैसे कि वो बहुत ज़्यादा प्राउडी और जिसे कहते हैं कि घमंड से भरा, तो मैं ये कहता हूँ कि हमेशा इंसान को कभी भी किसी बात का कोई घमंड नहीं रहना चाहिए। क्यों कि इस जमीन पे अगर चल रहा है तो ये प्राकृतिक है और वो खुद अपने आप में प्राकृतिक है, तो जब ये प्राकृतिक बातें आती हैं तो यहाँ पर आकर हम ये कहते हैं कि जब कुंडली, अब जब आपका जन्म होना था तो हो गया, क्योंकि समय चलायमान है, और जब समय चलायमान है उसको कौन रोकते हैं। तो सबसे बड़ी बात यहाँ पर ये आ जाती है कि जब आपका जन्म हो गया तो उस समय की जब कुंडली तैयार हो गई तो समझ लो आपके 9 ग्रह आपके विराजमान। एक जैसे कहते हैं कि घर भी जो है आपका, जैसे इस कुंडली के 4 जो चौरस कुंडली होती है तो इसकी 4 दीवारें जैसे हैं, घर की भी 4 दीवारें होती हैं, तो उसके अंदर ही जो है आपके ग्रह जो आपके घर में जो है जो ये ग्रह उपस्थित हो जाते हैं, तो ऐसे ही ये पूरा संसार जो है चलता है। और जहाँ तक दोष की बात आती है कि सूर्य के साथ अगर राहु आ जाता है या सूर्य के साथ अगर केतु आ जाता है तो समझ लो कि पिता को उस कुंडली को जो है मतलब अपना जो उसके फेवरेबल रहना चाहिए वो नहीं हो पाता, क्योंकि वो कुछ ना कुछ नेगेटिविटी उस कुंडली में रहती है। ऐसे ही जो है चंद्र के साथ अगर राहु है या केतु है तो ऐसे ही जो है माँ को माँ इफेक्टेड हो जाती है और माँ को यहाँ पे हेल्थ प्रॉब्लम हो जाती है या कोई ऐसी नेगेटिविटी आ जाती है जिससे कि वो कुंडली का विवेचन करने से पता लगता है, सबसे बड़ी बात है। और कई लोगों का जो चंद्र शनि, जिसको कि एस्ट्रोलॉजी आज तक पहचान नहीं पाई है कि ये चंद्र शनि अगर इकट्ठा है तो इसका इंसान के ऊपर कितना ज़्यादा असर पड़ता है। क्यों कि अगर चंद्र शनि जिसका इकट्ठा होगा वो अपनी लाइफ में जैसे कहते हैं कि उसकी जैसे उसकी हसरत जो है वो दबी रहती है, ये एक बहुत बड़ी बात देखने में आई है। और चंद्र शनि इकट्ठा होने से पूरे घर की बरकत जो है वो कम हो जाती है और उसमें जो बरकत वाले काम होने बंद हो जाते हैं और उस आदमी का जो है माइंड जो है वो वेवरिंग माइंड होता है, उसको समझ में नहीं आता कि मैं करूँ क्या। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये जो कुंडली वाला होता है उसका जो जन्म है वो या तो सीजेरियन होता है या नहीं तो माँ की जो हेल्थ है वो खराब हो जाती है या नहीं तो कुंडली जिसकी है उसकी हेल्थ जन्म के समय खराब हो जाती है। और फिर एक बात देखने में आई है कि जैसे जैसे समय बीतता रहता है तो उस घर के अंदर कुछ ऐसा बात हो जाती है कि वो जो जन्म बरतक याद रहती है, ये एक बहुत बड़ी बात देखने में आई है। अब ये बातें जो है अगर हम इसको डिटेल में अगर जो एस्ट्रोलॉजर थोड़ा बहुत समझ लेता है तो वो अपने आप में बहुत बड़ा अपने आप को एस्ट्रोलॉजर समझने लग जाता है। तो ये ऑन रिकॉर्ड बातें बता रहा हूँ मैं आपको, ये ऑन रिकॉर्ड मैटर है, लेकिन आज मैं आपको बताता हूँ इसका जो रहस्य है वो ये है कि पूरी कुंडली के अंदर जिस कुंडली के साथ भी, क्योंकि ये 3 पापी ग्रह माने गए हैं राहु केतु या शनि, अगर जैसे मंगल के साथ लग गया राहु या केतु या शनि, ऐसे ही या बुध जैसे बहन है, मंगल है जैसे भाई है, अगर मान लो जिसकी कुंडली में राहु केतु शनि लग गया मंगल के साथ तो उसका भाई है नहीं है एक बराबर है, लाल किताब की सीधी सीधी भाषा है। ऐसे ही है मान लो कि सूर्य के साथ अगर राहु केतु यही लग जाते हैं शनि लग जाता है तो ऐसे ही जो है, क्योंकि वो फादर जो है वो इतना पॉजिटिव नहीं होते, मतलब कि उसके उसके हक में नहीं रहते तो वो है नहीं है एक बराबर है। तो ये मैंने आपको बताया कि आपकी जो ये रिश्तेदारी है ये
इंसान जब पैदा होता है तब ये क्रिएट होती है, क्योंकि आप आज देखो कि आपको अगर मान लो कहीं चोट लगी, उसका दर्द जो है सिर्फ आप बर्दाश्त कर सकते हैं, साथ में जो आदमी आपके है वो सपोर्टर है आपका। अगर आप उस इंसान से उम्मीदें लगानी शुरू करते हो तो आधी इंसान की जिंदगी जो है उसी में गुजर जाती है। कभी भी किसी के ऊपर उम्मीद नहीं लगानी चाहिए, चाहे वो अपना घर का चाहे कोई वो बाहर का। हमेशा अपने बलबूते के ऊपर अपने ग्रह को उच्च करके परिवार में गृहस्थ में अपने गृहस्थ से निकलना चाहिए, संसारिक मामले खत्म करके फिर अपना जब गृहस्थ में आए तो अपना अपनी जब कुंडली उच्च की होगी तो उससे कभी कोई गलत काम होगा नहीं, उसके ऊपर कोई उंगली उठाएगा नहीं। सबसे बड़ी बात हमारा पता है लाल किताब ज्योतिष कार्यालय 3A/44 WEA करोल बाग न्यू दिल्ली 5 फोन नंबर्स 4562955 एंड 9212141423 वेबसाइट www.mylalkitabupay.org ईमेल एड्रेस lalkitab@bol.net.in